पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तेनू नी अज सजया है वे सारा शहर अज वो सोशल मीडिया के फेमस यूट्यूबर पारस ठकराल की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन पारस ने जिससे एंगेजमेंट की है क्या पारस ठकराल उससे पहले से ही जानते थे या फिर ये एंगेजमेंट उनकी फैमिली ने फिक्स की थी और कैसी दिखती है पारस की सेकंड वाइफ, ऐसे कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और साथ ही पारस की सेकंड वाइफ की कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिससे आप सब अनजान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक किया नहीं है लाइक और सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार। पता नहीं किदी नजर लगी अपने रिश्ते हुण गल्लां कट। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पारस ने पहले ही एक शादी कर रखी थी और उनकी पहली पत्नी का नाम है स्नेहा सचदेवा और पारस और स्नेहा का एक क्यूट सा बेटा हृदय भी है। लेकिन पारस और स्नेहा के बीच कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अभी इन लोगों का कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हो चुका है और बच्चे की कस्टडी पारस को मिली है। और पारस अपने बेटे हृदय को एक माँ और पापा का प्यार नहीं दे पा रहे थे और एक प्रकार से पारस खुद को अकेला फील कर रहे थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपने बेटे हृदय की अच्छी परवरिश के लिए पारस ने शादी करने का डिसीजन लिया। और उनके इस डिसीजन से पारस की फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेहा से डिवोर्स होने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पारस की घर की खुशियां ही चली गई हो। तो अपने घर को फिर से खुशियों भरा देखने के लिए पारस ने शादी करने का फैसला लिया। फिलहाल पारस की एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्दी शादी भी करने वाले हैं और अब पारस के घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन एक बात लोगों को अजीब लग रहा है कि पारस ने अपनी दूसरी वाइफ यानी कि हृदय की न्यू मम्मी के फेस पर मास्क क्यों लगवाया था? क्या उन्हें डर है कि कहीं उनके एंगेजमेंट कोई तोड़वा ना दे, या फिर उन्होंने ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में यह सब किया, या फिर वो फेमस होने के लिए यह सब कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पारस ने जैसे एंगेजमेंट किया है क्या वो उनसे पहले से प्यार करते थे या फिर उन्होंने अरेंज मैरिज किया है? तो चलिए इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं। जैसा कि पारस और स्नेहा में जब तलाक हुआ था तब स्नेहा यह कह रही थी कि पारस किसी और लड़के से प्यार करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्नेहा बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि स्नेहा से तलाक होने को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी पारस ने इतनी जल्दी दूसरी लड़की से एंगेजमेंट कर लिया और जल्दी उससे शादी भी करने वाले हैं। वो बात अलग है कि पारस अपनी दूसरी शादी को अरेंज मैरिज बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पारस ने लव मैरिज की है और ये उनके सेकंड वाइफ यानी कि हृदय की नई मम्मी का नाम वैशाली है। और फाइनली हृदय को माँ का प्यार देने के लिए हृदय की नई मम्मी आ रही है। पारस की सेकंड वाइफ और हृदय की नई मम्मी को लेकर बहुत लोग खुश हैं और वही बहुत लोग हृदय की चिंता करते हुए दुखी भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद हृदय की न्यू मम्मी हृदय को उसकी सगी माँ जैसा प्यार ना दे पाए। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि एक छोटे बच्चे के लिए माँ का ही होना काफी है, फिर चाहे सगी माँ हो या सौतेली। वैसे आपको पारस की वाइफ कैसी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। वीडियो में लव यू फ्रेंड्स। आज हंस ले तो कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। तो आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं, पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर।